आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुर्ती की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे। और फ्रेंड्स, इस कुर्ती की कटिंग को आप अंत तक देखेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं क्लियरली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन, आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे ब्लाउज के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर, और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिले। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग कि नाप लेकर के कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाप लेने का तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक ड्रेस है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लंबाई हम किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लंबाई इसका लेते हैं शोल्डर से। ये इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, यहाँ से हम इसकी लंबाई को स्टार्ट करते हैं और इसकी फुल लेंथ हम देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 35.5 इंच का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका चेस्ट साइज को नापना है। तो ये किस तरीके से नापना है हमें, ये इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। चेस्ट को नापने का सबसे आसान तरीका है ये। इस प्रकार से आप दोनों तरफ टेप को इस तरीके से रख लेंगे और इसका जो चेस्ट साइज आ रहा है 17.5 इंच का, तो इसको नोट कर लेंगे। इसके तुरंत बाद कमर को देखते हैं। तो इसका जो कमर है 16 इंच का है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद सीट पे आते हैं। तो सीट जिसको हिप बोलते हैं हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों को हल्का सा खींचते हुए नापना है यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से। और आप लोग देखेंगे कि इसका जो सीट आ रहा है ये 19 इंच लगभग आ रहा है। अब इसका जो घेर है दामन का, उसको देखते हैं, यहाँ पर ये आ रहा है 19.5 इंच। अब ये तो हो गई सारी बेसिक चीज़ें। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो दामन हमें स्टार्ट करना है, चाक जहाँ से हम लेते हैं वो कैसे लेना है। तो ये आप लेंगे शोल्डर से, ये इस तरीके से आप शोल्डर पे रखेंगे टेप और इस तरीके से तिरछा नाप लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 18.5 इंच पे, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, 18.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर शोल्डर। तो शोल्डर को नापने का बेसिक तरीका मैंने बताया कि इसमें हम देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ये इस तरीके से इसका जो गला खुला हुआ है 4.25 इंच। अब इसका शोल्डर हम कैसे लेते हैं, एक आस्तीन से दूसरे आस्तीन के जॉइंट तक। तो ये आ रहा है हमारा, आप देख सकते हैं 9 इंच, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 इंच का इसका शोल्डर है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग फिर से देखेंगे 4.25 इंच पर इसका गला खुला हुआ है। अब आते हैं आस्तीन पर और आस्तीन को नापने का तरीका यहाँ पर देखेंगे आप लोग। ये है आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई हमें किस तरीके से नापनी है, यहाँ पर 3.5 इंच की इसकी लंबाई है। अब इसको हम देख लेते हैं इसका गोलाई कितना है। तो गोलाई आप देखेंगे 6 इंच की इसकी गोलाई है। अब आर्म होल को देखते हैं। तो ये आर्म होल यहाँ पर इस प्रकार से आपको तिरछा नापना होता है, जो सिलाई चली हुई है उसी पे टेप को राउंड करके नापना होता है। तो ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच का। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फ्रंट नेक। तो इसका जो सामने का गला है देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ़ और सिर्फ 6 इंच का ये गला है। और उसके बाद पीछे गला देख लेते हैं तुरंत ही यहाँ पर। तो ये जो इसका पीछे गला है, सेम तरीका है नापने का, आपको इस प्रकार से नापना है तिरछा। तो इसका पीछे गला काफ़ी छोटा है, 5.5 इंच का यहाँ पर। उस अब क्या करेंगे, तो अभी जो हमने मेज़रमेंट लिया उसको फटाफट एक बार समझ लेते हैं। 35.5 इंच की इसकी लंबाई, 17.5 इंच इसका चेस्ट, कमर है 16 इंच का, और इसका जो हिप है सीट जिसको बोलते हैं 19 इंच, दामन 19.5 इंच, और यहाँ पर आस्तीन की लंबाई 3.25 इंच, इसकी गोलाई 6 इंच की, और यहाँ पर जो आर्म होल आया है 7.25 इंच का, पीछे का गला 6 इंच, माफ़ कीजिएगा सामने का गला 6 इंच और पीछे का गला 5.5 इंच, और यहाँ पर जो इसका शोल्डर हमने लिया वो है 9 इंच, 4.25 पे इसका गला खुलेगा। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये है इसके बैक साइड का पार्ट। तो इस कपड़े को हमें किस प्रकार से बिछाना है, यहाँ पर जो चीज़ें मैटर करती है, एक तो आप देखेंगे इसके सीट को, दूसरा है दामन, दोनों लगभग लगभग सेम रहते हैं। यहाँ पर देखना है आपको, ये है 19.5 इंच का। तो हमें क्या करना होगा, इसे कितने इंच पे बिछाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर निशान लगा लिया 10 इंच पे, और उसके बाद एक निशान लग जाएगा 12 इंच पे। अब हमें इसे इसी के हिसाब से बिछाना है। तो इसे किस तरीके से बिछाना है यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पर बेसिक बताने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है कटिंग बताने में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये जो निशान हमने लगाया 12 इंच पे, यहाँ से हमें इस प्रकार से इसे मोड़ लेना है।
तो ये जो है मुड़ गया। इस पे आपको बराबर क्रीज लगा लेना है, अच्छे से सेट करके बिछाएंगे जब भी आप किसी भी ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया पीछे का पार्ट, अब देखते हैं ये है इसके सामने का पार्ट है, तो इसको भी हम इसके ऊपर रख लेते हैं बराबर। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो ड्रेस है डिज़ाइनर ड्रेस, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें गला ऑटोमेटिकली यहाँ पर तैयार दिया हुआ है, तो इस पर हमें किस तरीके से कटिंग करना होता है, अपने साइज़ के हिसाब से इसे कैसे सेट किया जाता है उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निशान लगाना है 2.25 इंच पर। उसके बाद इसका जो फ्रंट नेक, जैसा कि मैंने बताया 6 इंच का है, तो यहाँ पर आप जो निशान लगाएंगे वो 6 इंच पे या इस प्रकार से निशान आप लगा देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा ये फ्रंट नेक का शेप, जो हम गोल गले का शेप देते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर ये शेप बन गया। इसके बाद आते हैं शोल्डर पे, तो ये जो इसका शोल्डर है हमें इस तरीके से गले की तरफ हल्का सा डाउन करते हुए इसे निशान लगाना है। ज़्यादा डाउन नहीं होता ये, लगभग लगभग 1/2 इंच ये डाउन रहता है। और उसके बाद इसका शोल्डर का निशान कितने इंच पे लगेगा, तो ये निशान जो लगेगा ये 1.25 इंच पर लगेगा, ये इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार 1.25 इंच पर ही निशान लगेगा। तो ये दो निशान हमने लगा लिए शोल्डर के लिए। उसके बाद एक सीधी लकीर खींचेंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर देखना है इसका आर्म होल जो है ये हमें रखना है 1.25 इंच। और ये सारी चीज़ें मैटर करती है चेस्ट साइज़ के हिसाब से, किस तरीके का आपका चेस्ट साइज़ है तो उस हिसाब से आप आर्म होल और शोल्डर वगैरह यहाँ पर आते हैं। शोल्डर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 9 इंच का था, इसका तैयार शोल्डर हमें चाहिए 9 इंच का, तो यहाँ पर हमने दिया है मार्जिन 1 इंच का। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मार्जिन देना आवश्यक होता है और ये मार्जिन जो है सिलाई के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसके लिए आप थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि प्रिंटेड कपड़े में इसी तरह की कटिंग की दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर आपको शोल्डर थोड़ा बहुत 1/4 इंच 1/2 इंच अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ये जो निशान लगेगा शोल्डर से 14 इंच पे, ये निशान कमर को साइज को नापने के लिए है, शोल्डर से 14 इंच पे। और उसके बाद देखते हैं सीट, इसके लिए जो निशान लगेगा ये लगेगा शोल्डर से, यहाँ पर मैं क्लियरली इसको रख करके बता देता हूँ, शोल्डर से 19 इंच पर, ये इस तरीके से। अब आते हैं बेसिक पे, इसका चेस्ट साइज नापेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट में बताया था इसका चेस्ट साइज 17.5 इंच का है, तो ये जो निशान लगेगा आपका ये निशान लगेगा 9.25 इंच पर, इसके हाफ पर। और उसके बाद देखते हैं कमर, कमर 16 इंच का है तो ये निशान लग जाएगा 8 इंच पर। और सीट ये है 19 इंच का, तो इसका जो निशान लगेगा 9.5 इंच पर ये निशान लगेगा। अब इन तीनों निशानों को मिलाना है, ये इस तरीके से मिल गया। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसे तिरछा थोड़ा सा ये लकीर आता है, इस प्रकार से आप लोगों को मिला लेना है। अब देंगे मार्जिन, तो ये मार्जिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, यहाँ पर मैं 1.5 से 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन दे देना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो मार्जिन हम सीट पर देते हैं, हिप जिसको बोलते हैं, यहाँ पर मार्जिन कम हो जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखेंगे आर्म होल को, तो आर्म होल यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, जैसे कि मैंने इसको बताया था ब्लाउज में भी और सूट में भी हल्का सा हम इसको डाउन करते हैं इसके आर्म होल को। अब इसका जो निशान हमें यहाँ पर गोल शेप में देना है, तो इसको इस तरीके से आप लोग दे लेंगे। यहाँ पर जो गेपिंग देनी होती है ये 1/4 इंच की गेपिंग दोनों गोलाइयों के बीच में आती है, अंदर वाला निशान फ्रंट का होता है और बाहर वाला निशान बैक का होता है। इसके बाद हम लेंगे इसका फुल लंबाई, तो फुल लंबाई जैसा कि मैंने बताया 35.5 इंच का है, तो यहाँ पर हमें देना होता है कुछ मार्जिन, तो ये 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर देंगे और ये हो जाएगा 36.5, या फिर आप यहाँ पर 1/2 इंच भी मार्जिन दे सकते हैं और 36 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, बेटर है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप कितना मोड़ते हैं नीचे को उस तरीके से आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इस निशान को सीधा इस प्रकार से खींच लेंगे, ये इस तरीके से दो निशान अब यहाँ पर लग गए, दोनों को हमने बराबर खींच लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो दामन है, जैसा कि मैंने बताया था पहले 19.5 इंच का है, तो यहाँ पर 9.5 पे निशान लगेगा और उसके बाद इसमें जाएगा मार्जिन। तो ये जो मार्जिन है 1 इंच का यहाँ पर बरकरार रहेगा सीट से दामन तक। अब उसके बाद इन दोनों निशानों को स्केल से मिला लेने हैं, तो ये निशान जो मिलेगा इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको मिला लीजिए और उसके बाद मार्जिन वाले निशान को भी इसी तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर जो है इसका निशान लगाने का जो प्रक्रिया है कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसकी हम कटिंग करेंगे अब, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो पीछे का गला है ये इस प्रकार से आपको सबसे पहले इसमें निशान लगाना है। ये थोड़ा सा बढ़ के कटता है, पहले भी मैंने इस चीज़ को बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि पीछे का जो पार्ट है वो 1/2 इंच आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। इसको बढ़ा लेंगे तो अब आप पीछे और सामने दोनों पार्ट की कटिंग को एक साथ करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो ऊपर वाला निशान है पीछे वाले पार्ट का, उस पर हम कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर एक साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग आर्म होल पर कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर भी हमें बाहर वाले निशान पर ही कटिंग करनी है। आर्म होल पर भी बाहर वाले निशान पर ही हम कटिंग करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे साइड पे, तो यहाँ पे हमें कटिंग करना है और ये जो कटिंग होगा इसे हमें करना है मार्जिन वाले निशान पे। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मैं बताता हूँ, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियरली बता देता हूँ। और उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कट लगा लेना है सीट पे कमर पे, जिससे क्या है हम सिलाई करते वक्त उन्हीं कट को मिला करके इसमें सिलाई करते हैं, तो यहाँ पर अच्छी फिटिंग हमें मिलती है। तो ये जो है इसका फ्रेम अब पूरी तरीके से कट चुका है, अब इसे हम लपेट करके रख देंगे। अब देखते हैं इसमें आस्तीन की कटिंग। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा था, ये जो गला है गला हमें काटना होगा, सबसे पहले फ्रंट गला। तो ये शोल्डर पे जो 1/2 इंच हमने बढ़ाया था पीछे के लिए उसको सबसे पहले काट लेंगे। अब आते हैं इसके गले पर, तो ये जो गला है यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ये इस शेप में आपको इस तरीके से काटना है। अब देखेंगे पीछे गला, तो इसकी ब्रॉडनेस तो सेम रहेगी, यहाँ पर 2.25 इंच ही रखना है, लेकिन पीछे गले की लंबाई कम है, 5.5 इंच की है, तो 5.5 पे लगा लिया निशान। और यहाँ पे मार्जिन वगैरह बिल्कुल नहीं देने होते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। 5.5 है तो 5.5 पे ही निशान लगाना है। 5.5 पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से दे देंगे गोलाई और फटाक से इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर पीछे गले की होगी कटिंग। अब हमें फ्रंट के आर्म होल को छांट लेना है। ये जो आर्म होल है फ्रंट का, बैक साइड के पार्ट को सबसे पहले हटा लेंगे और फ्रंट के आर्म होल को छांट देंगे। यहाँ पर मोतियाँ वगैरह लगे रहते हैं, तो आप सावधानी के साथ इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से आपने इसमें छांट लिया। अब ये ड्रेस तैयार है, इसको हम रख देंगे। इसके बाद इसमें देखते हैं आस्तीन की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करने के लिए आप लोगों को ध्यान देना है कि दोनों आस्तीन अगर आप एक साथ कटिंग करना चाहते हैं, इसे 4 फोल्ड में बिछाना होगा। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद सबसे पहले ऊपर पर लगता है ये निशान इस तरीके से, और उसके बाद 1 इंच की दूरी पर एक और निशान। अब इसकी लेंगे लंबाई, तो यहाँ पर जब हम कटिंग करते हैं तो इसकी जो लंबाई है 3.5 इंच की है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें आस्तीन की लंबाई वगैरह बढ़ानी है, जैसे कि हमारे कस्टमर कह देते हैं कि यहाँ पर लंबाई हमें बढ़ानी है, तो आप इसे किस तरीके से बढ़ाएंगे? यहाँ पर मैं इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूँ 3.5 फिक्स नाप है, लंबाई हमें बढ़ाना है 2 इंच, 5.5 पे लगा लेंगे निशान। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो मार्जिन हमने दिया है ऊपर 1 इंच का, वो अलग रहेगा, वो कंपलसरी है अगर आप 3.5 पे भी कटिंग करेंगे तो भी, और 5.5 पे करेंगे तो भी, ये ऊपर का जो मार्जिन है ये रहेगा ही। यहाँ पर बढ़ाने के लिए बोला गया है इसलिए मैं यहाँ पर बढ़ा करके बता रहा हूँ। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर गोलाई पर, 6 इंच की गोलाई, 6 इंच पर लग गया निशान। अब मार्जिन है 1 इंच का, नीचे आर्म होल देखते हैं, नीचे से जो निशान लगेगा ये निशान लगेगा 3 इंच पर।
इसी पे हमें आर्म होल को नापना है। तो ये जो आर्म होल नापते हैं, ये तिरछा मैं इसको बता रहा हूँ किस तरीके से नापते हैं। ब्लाउज में मैंने सभी सीधा बताया है किस तरीके से इसको नापना है। आर्म होल मैंने बताया था 8 इंच इसका आर्म होल है, 7.5 इंच का। तो 7.5 हमने इस तरीके से इसको तिरछा नापा। और यहाँ पर एक चीज़ जो बेसिक मैंने ब्लाउज में बताया था उसको भी देख लेते हैं। 6 इंच की गोलाई है, 6 इंच पे लग गया निशान। अब इसके बाद यहाँ पर देना है आपको 1 इंच का मार्जिन, 7 इंच। तो सीधे सीधे में ये आ रहा है 7 इंच, और अगर आप तिरछा जैसे आर्म होल को नापा जाता है उस तरीके से नापेंगे तो आएगा 7.5 इंच। अब दे देते हैं इसकी गोलाई। तो यहाँ पर इसकी गोलाई भी हमने दे दी। अब इसमें कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद आपको फ्रंट वाले पार्ट को छांटना है। यहाँ पर आप इसके लिए निशान नहीं लगाएंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड है। तो यहाँ पर हम इसे मार्जिन वाले निशान पर कटिंग करेंगे इस प्रकार से, थोड़ी दूरी से। ये मार्जिन पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कट लगा लेने हैं। जो अनिवार्य कट है वो सेंटर का कट है और ये सिलाई का। तो ये सेंटर का कट आपको लगाना है। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट करके निकाल देंगे, सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रहेगा। अब देखेंगे इसका, हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। दोनों पार्ट को इस तरीके से सीधा रख दिए। अब इसमें हमें फ्रंट वाले पार्ट को छांट देना है। फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आप छांटेंगे वो फ्रंट बन जाएगा। इसमें प्लेन कपड़े में किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुर्ती कटिंग पसंद आया होगा। अब यहाँ पर जैसे आस्तीन में लेस वगैरह दिए हैं तो आप लेस लगा सकते हैं। अगर आपको कुर्ती में लेस वगैरह हैं तो लेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें साइड में भी लेस लगते हैं, आस्तीन में भी लेस लगते हैं, तो आप इसे ऊपर से लगाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आस्तीन पूरा फिट करने के बाद यहाँ पर ऊपर से आपको लगाना है। कटिंग करते वक्त ऐसा नहीं है कि लेस वाले जगह पर ही आस्तीन की कटिंग करनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेस को आप अलग से निकाल करके इसमें फिट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।